जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो, आपके जो स्पेशल कमेंट्स आते हैं, जो आपके स्पेशल VIP कमेंट्स होते हैं कि इनकी रिप्लाई मैं उस समय नहीं कर पाता, तो एक साथ सभी को उसकी रिप्लाई दे दूँ। कुछ आपको कमेंट्स, मतलब जो भी आपके घातक घातक जो कमेंट्स आते हैं, जो जानकारी आप जानना चाहते हो, जो थोड़ी सी कुछ खास या कुछ अलग है, तो उसके बारे में बना रहा हूँ, जो मेरे पास अभी तक क्वेश्चन आए उनके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेन जो क्वेश्चन आ रहा है, वो कई लोगों ने मेरे को बोल दिया कि सर आप सेविंग नहीं बनाते, लेकिन फोर्स का मेंबर को तो हर रोज़ सेविंग बनाने की ज़रूरत होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ ड्यूटीज़ में आपको सेविंग नहीं बनाने की भी इजाज़त होती है। तो ये आपको भी यहाँ आके पता चल जाएगा कि आप भी सेविंग ज़रूरी नहीं कि आप मुस्लिम हो तो ही सेविंग रख सकते हो, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे कोई भी हो, अगर ऐसी ड्यूटी में हो तो आपको सेविंग नहीं बनाने की परमिशन होती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर आपके सारे वीडियो जंगल में शूट क्यों होते हैं, आप जंगल में रहते हैं क्या? नहीं, हम जंगल में नहीं रहते हैं, ये वीडियो शूट करने के लिए हम कैंप से साइड में आके इधर आके वीडियो बनाते हैं। यहाँ फ़ोन रखने की अच्छी सी जगह है, इसलिए फ़ोन रख के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो जो पीछे का बैकग्राउंड है, ये जंगल का आता है दोस्तों। इसके अलावा कईयों का क्वेश्चन रहता है कि सर कब हम रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्या 20 साल करनी होती है, 16 साल सर्विस करनी होती है या 10 साल? देखिए, अगर सही रूप से अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स में आपको 20 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जल्दी मान लो किसी कारण से रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप 10 साल की सर्विस करने के बाद में रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कोई भी पैसा भरना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 10 साल से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। कितना पैसा भरना पड़ेगा? कम से कम आपकी 3 महीने की सैलरी वहाँ पर जमा होती है विथ रिस्क अलाउंस, यानी जितनी भी आपकी सैलरी रहती है वो 3 महीने की, पिछले 3 महीने की रिस्क अलाउंस के साथ में जमा करनी पड़ती है, तभी आप 10 साल से पहले रिटायरमेंट ले सकते हो। 10 साल के बाद में ये पैसा आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 साल बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे कोई भी कमांडो, चाहे कोबरा कमांडो कब बन सकते हैं, NSG कमांडो कब बन सकते हैं या SPG कमांडो कब बन सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कोबरा कमांडो तो जो CRPF के जो जवान होते हैं वो ट्रेनिंग के बाद ही बन सकते हैं, ये मैंने कई वीडियो में बताते हैं। NSC कमांडो के लिए आपकी 5 साल की सर्विस चाहिए। आप कोई से भी CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल, कोई भी अगर डिपार्टमेंट में हो तो आपको 5 साल की सर्विस चाहिए, उसके बाद ही आप NSC कमांडो बन सकते हो या SPG कमांडो बन सकते हो दोस्तों। इसके अलावा कई लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं कि सर कौन से डिपार्टमेंट में फैमिली परमिशन, यानी फैमिली साथ रखने की व्यवस्थाएं ज़्यादा होती है, तो दोस्तों सभी में फैमिली रखने की, और फैमिली कैसे रख पाते हैं, और क्या कैंप के बाहर भी फैमिली रख सकते हैं, ऐसा भी कईयों ने क्वेश्चन पूछा। तो बिल्कुल, कैंप के बाहर भी फैमिली रहती है कई बार, जिस तो कहाँ कहाँ फैमिली परमिशन, अगर आपकी पीस एरिया में ड्यूटी है, जैसे किसी सिटी में, जैसे दिल्ली NCR हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव, ऐसे यानी इस प्रकार की कई, जैसे हैदराबाद, कोई सी भी सिटी ले लीजिए, अगर सिटी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, पीसफुल एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको जहाँ बैरक मिलते हैं फैमिली क्वार्टर, तो फैमिली क्वार्टर में भी रख सकते हो। अगर फैमिली क्वार्टर फुल है तो आप बाहर किराए पर मकान लेके भी आप अपनी फैमिली रख सकते हो, और मतलब जिस समय आपकी ड्यूटी लगी उस समय आप अपनी ड्यूटी करके फिर वापस अपनी फैमिली के पास में जा सकते हो। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि सर वेपन लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, वेपन लेके नहीं जा सकते। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि सर हमारे पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा झड़प हो रखी है, तो क्या उनको हम पीट सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फिलहाल आप ना ही पीटें तो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जो आपके जो झगड़ा होगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी? आप कईयों को ऐसा लगता है कि मतलब वो आपको नौकरी से निकलवा देंगे, ऐसा नहीं है, नौकरी से आपको कोई नहीं निकलवा सकता। अगर एक बार आप भर्ती हो रहे हैं, आपको पता है भर्ती होने में कितनी मेहनत लगती है, निकालने में भी उतनी लगती है, ऐसे आपको कोई नौकरी से नहीं निकला सकता। लेकिन आप उनसे मान लो झड़प हो गई, कोर्ट केस हो गया, अब आपकी इतनी तो छुट्टियाँ हैं, आप कोर्ट केस में ख़त्म कर दोगे, बार बार जाओगे कोर्ट केस में, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ज्वाइन करने के बाद में हम पड़ोसियों को पीट देंगे, तो ऐसी गलती ना करना, ना पीटना, मारा पीटी से आपको दूर ही रहना है। अगर आप फोर्स के मेंबर बन रहे हो तो जीवन भर इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आपकी इतनी तो छुट्टियाँ होती है, अगर उन छुट्टियों के आपको कोर्ट केस में ख़त्म कर दोगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा। इसके अलावा जो और बहुत सारे लोगों ने जो मेरे को क्वेश्चन किया है कि सर पढ़ने का टाइम मिल जाता है क्या, ट्रेनिंग टाइम में पढ़ने का टाइम मिल जाता है, या जब आप सर्विस करो ड्यूटी करो तो पढ़ने का टाइम मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, ट्रेनिंग में भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। पहले 2-3 महीने मैंने बोला कि कष्टदायी होते हैं, तब आपको टाइम फिर भी मिलेगा, लेकिन आपके शरीर में थकावट रहेगी, इसलिए आप कम पढ़ पाओगे, लेकिन उसके बाद में आपको निरंतर टाइम मिलता रहेगा पढ़ने वाला ही चाहिए। ड्यूटी के दौरान भी आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एक दिन में 8 से 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है दोस्तों। तो उसके अलावा जो ड्यूटी है, 16 घंटा आपका रेस्ट हो, उसमें से आप 6 घंटे की नींद लेके बाकी टाइम में आप पढ़ सकते हो,
तो पढ़ने का टाइम मिलता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए क्या एज है, ये भी कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं बता दूँ SI के लिए 32 एज है। अगर आप SI बनना चाहते हो उसके लिए डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम में 32 एज है। और भी डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के लिए, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसके लिए एजुकेशन कितनी चाहिए, अगर आप मिनिस्ट्री स्टाइल में हेड कॉन्स्टेबल बनना चाहते हो तो आपको 12th पास होना चाहिए। SI के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप SI का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, चाहे डिपार्टमेंटली हो चाहे किसी भी। और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हेड कॉन्स्टेबल के लिए आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, साथ में 12th क्लास पास होनी चाहिए। तो ये अब बोलते हैं कि सर सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स में मिलती है, तो दोस्तों बता दूँ चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे आर्मी हो, सबसे ज़्यादा सैलरी आपको हाई रिस्क अलाउंस एरिया में ही मिलती है। जैसे अगर आप कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हो तो आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा रहेगी कश्मीर में, या जो नक्सल प्रभावित एरिया अगर आप CRPF PIN में ड्यूटी करें तो नक्सल प्रभावित एरिया जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ पर पे ही ज़्यादा होगी, चाहे वो आर्मी हो चाहे BSF हो CRPF हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे ज़्यादा पेमेंट किसको मिलता है ये क्वेश्चन। जो बेसिक सैलरी होती है वो सभी की सेम होती है, बेसिक पे 21,700 में आप लग रहे हो। और अब कईयों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर जो बेसिक पेमेंट है हमारी जो पेमेंट है वो सालाना कैसे बढ़ती है और किस रूप से बढ़ती है, तो दोस्तों बता दूँ जो आपकी जो पेमेंट है वो किस रूप से बढ़ती है, तो एक साल में 3 बार पेमेंट बढ़ती है, 2 बार DA 1 बार इंक्रीमेंट। जो सालाना आपका इंक्रीमेंट लगता है 5 साल तक आपकी पेमेंट में 700 रुपये सालाना इंक्रीमेंट लगेगा, 5 साल तक 700 रुपये हर साल में आपकी पेमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा 2 DA लगेंगे, तो DA में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी होती है ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो 4% बढ़ाए 5% बढ़ाए कई बार 6% बढ़ा दें या कई बार 3% बढ़ाए। तो वो साल में 2 बार जनवरी और जुलाई 2 बार लगता है, और 1 बार जो जुलाई या जनवरी में आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है दोस्तों। तो ऐसे तो आपकी पेमेंट बढ़ती है, तो 5 साल तक आपके 700 रुपये बढ़ते हैं हर साल, उसके बाद में आपका 1% जितनी आपकी बेसिक पे उसका 1% के हिसाब से आपकी पेमेंट बढ़ती है। साथ ही जब वेतन आयोग लगता है, जो वेतन आयोग जब लगता है तो वेतन आयोग के अनुसार आपकी पेमेंट में एक इंक्रीजमेंट अलग से लग जाता है, या 10 साल की आपकी जब सर्विस हो जाती है तो आपको हवलदार पे लगता है। जैसे आपको हवलदार बनो या नहीं बनो डिपार्टमेंटली, लेकिन आपकी 10 साल के बाद में आपकी हवलदार की पेमेंट मिलती है, तो उससे भी आपकी सैलरी में जैसे 2 से 3 हज़ार या 2,000 3,000 जितने भी हवलदार की पेमेंट बेसिक होती है उसके हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट लग जाता है वो 2 से 3 हज़ार रुपये का। तो इस प्रकार से आपकी पेमेंट बढ़ती है सालाना जैसे मैंने बता दिया, और 5 साल के बाद में 1% फिक्स होता है कितना परसेंटेज, यानी 3% 4% आपकी सालाना पेमेंट बढ़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार आपकी सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं किस फोर्स में, तो सभी जितने भी फोर्स हैं पैरामिलिट्रीज के इन सभी में मेडिकल सुविधाएं सेम होती है। जो बाहर के जो हॉस्पिटल होते हैं इनके जो अटैचमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं वो सभी के सेम होते हैं, चाहे CRPF BSF ITBP असम राइफल इनकी किसी की भी हो, इन सभी की जो फैमिली जो मेडिकल सुविधाएँ वो सभी की सेम होती है। किन किन को मेडिकल सुविधाएँ मिलती है ये भी कईयों का क्वेश्चन रहता है, या रिलेशन है क्या, दोस्तों बता दूँ पैरामिलिट्री फोर्स में रिलेशन भर्ती नहीं होती है, या रिलेशन के हिसाब से भर्ती नहीं कराते हैं, किसी का भी रिलेशन नहीं माने। लेकिन किन किन को मेडिकल सुविधाएं मिलती है, तो आपके माता पिता, और अगर आपसे आपका छोटा भाई है या बहन है तो उनको मेडिकल सुविधाएं मिलती है, वो आपके नॉमिनी में होते हैं दोस्तों, वो आपके मतलब डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको मेडिकल सुविधाएं आपकी मिलती है। अब उसमें सिस्टर बड़ी भी हो अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो भी आप पे डिपेंड करती है दोस्तों। इसके अलावा माता पिता हो गए, अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी जिनकी शादी हुई है उनकी और उनके बच्चे। अब साथ में बता दूँ शादी से जब बात आई, कुछ लोग मेरे को बोलने कि सर हमारी शादी हो गई, तो शादी वालों को तो और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन है कि जिनकी शादी हो गई है उनके लिए एक तो वाइफ डिपेंडेंट बनी जाती है, साथ में जिनके बच्चे हो गए वो आपको सालाना आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। जिनका एक बच्चा और स्कूल में जाता है तो एक साल का 27,000 रुपये उसको गवर्नमेंट स्कूल फीस के रूप में साल का पैसा देती है, 27,000 रुपये। और अगर 2 बच्चे हैं तो 54,000, अगर वो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो 1,44,000 रुपये सालाना। तो ये इतने रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेने वाले हैं ये, जिनकी शादी हो गई है ना, आपको लगता है इनकी शादी हो गई वो ऐसे फ़ायदा उनको मिलने वाला है दोस्तों। तो जिनकी शादी हो गई उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे को बार बार बोल रहे हैं सर हमारी शादी हो गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर आपको मिठाई भी नहीं खिलानी पड़ेगी आपकी शादी की, क्योंकि शादी हो गई है पहले से, और ये पैसे भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपके बच्चों के एजुकेशन के, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लगातार 20 साल तक फैमिली रख सकते हैं, कि जो मैंने फैमिली वाला टॉपिक बताया उसमें ये बात रह गई कि हम लगातार 20 साल तक फैमिली रख सकते हैं। 20 साल तक जरूरी नहीं कि आपको रखने का मौका भी मिल जाए और ना भी मिले, 10 साल भी मिले, 15 साल भी मिले, 20 साल भी मिले, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना साल फैमिली रखने का
मौका मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि क्या सर पेंशन स्कीम है, तो दोस्तों बता दूं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद हो गई, लेकिन एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो नया पेंशन सिस्टम आया है उसके अनुसार आपको एनपीएस के द्वारा पेंशन मिलती है। कितनी मिलती है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जिसको आप आई बटन पर जाके देख सकते हो, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसमें भी आप जाके देख सकते हो मैंने एनपीएस के द्वारा आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में वीडियो बना रखा है दोस्तों। अब अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको कैसी जानकारी लगी मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।